हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी जोन। आप सब जानते ही हैं कि राइस वाटर जो है वो हमारी स्किन और हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर नहीं तो मैं आज आपके साथ वही सारी उसके ही बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करूंगी कि राइस वाटर हमारी स्किन और हमारे हेयर्स के लिए कैसे उतना ही बेनिफिशियल है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एल्प्स गुडनेस का फर्मेंटेड राइस वाटर। वैसे तो मैं ये राइस वाटर खुद घर पर भी बनाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाया भी हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं ये जो मतलब कि एल्प्स गुडनेस का था, मैं इसको भी ट्राई करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने इसको परचेज किया है। वरना अगर आप नहीं स्पेंड करना चाहते तो आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। घर पर बनाना भी ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जस्ट मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि हमने इसको घर पर कैसे बनाना है। अगर मींस आप 2 स्पून्स जो हैं वो आप मतलब कि चावल के लीजिए, वाइट राइस होना चाहिए, राइस के लीजिए और उसको अच्छी तरह से पहले आप उसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप उसको ओवरनाइट के लिए सो करके पानी में डिजॉल्व मतलब कि रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब आप मॉर्निंग में देखेंगे तो वो बहुत क्लाउडी सा ऐसा मतलब बिल्कुल प्योर नहीं है, थोड़ा क्लाउडी सा है, तो ऐसा वाटर जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो आप उसको पोर कर लीजिए एक स्प्रे बॉटल में। आप उसको ऐसे एक कोई भी स्प्रे बॉटल, क्योंकि स्प्रे बॉटल्स बहुत बेनिफिशियल होती हैं। मेरे पास तो 3-4 हैं। किसी में मैंने ग्लिसरीन का सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है, किसी में डिफरेंट, तो ये बॉटल्स आपके पास होनी चाहिए। तो आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो राइस वाटर भी बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट ये सिर्फ आप इसको फ्रिज में 2 to 3 days के लिए ही आप इसको रख सकते हैं, ज्यादा देर के लिए नहीं रख सकते। लेकिन ये जो है इसमें आपको कोई पोर करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब कि रखने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये इजीली अवेलेबल है। आप इसको जब चाहें तब यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको मंगवाया था। तो ये है, ये एल्प्स गुडनेस के हैं। एल्प्स गुडनेस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सिलिकॉन फ्री होते हैं, सल्फेट फ्री होते हैं और बेसिकली पैराबेंस फ्री होते हैं। ये देखिए, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और इसका वेट है 100 ml और इसकी जो प्राइस है वो है 199 rupees। ये आपको नेचुरली डिस्काउंट रेटेड पे इजिली मिल जाएगा। एप्स गुडनेस के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको purple.com पे मिल जाएंगे। purple.com का लिंक जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट का लिंक भी मैं आपको वहीं पे ही प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ले सकते हैं। क्योंकि purple.com पे गुड वाइब्स के, एप्स गुडनेस के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं और जितने भी हैं सब पैराबेन फ्री हैं, ठीक है। तो ये है राइस वाटर। इसमें आपको कोई पोर करने की जरूरत नहीं है, कोई सो करने की जरूरत नहीं है और वेट करने की जरूरत नहीं है। आपने इसको डायरेक्ट यूज करना है। अगर आपने मेरी वीडियो पहली देखी हो तो मैंने एल्प्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर है वो भी मैंने इसका ट्राई किया था, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आपको आई बटन पे लिंक कर दूंगी, वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैंने 1 month रिव्यू भी उसका बनाया है और उसको कैसे यूज करना है वो मैंने स्टार्टिंग में वो भी मैंने बताया है, दोनों वीडियोस हैं। और ये भी एल्प्स गुडनेस के ही है। ये देखिए, मैं यूज कर रही हूं और मेरा यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपने इसको यूज कैसे करना है, बेसिकली फर्स्टली हमने इसको हेयर्स पे कैसे यूज करना है मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ, जैसे मैं पर्सनली यूज करती हूँ। मैं मतलब अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो लॉरियल हाइलुरोनिक्स शैम्पू वाली, तो मैंने उसमें स्पेशली मेंशन किया है कि मैं अपने हेयर्स के ऊपर कोई भी कंडीशनर अप्लाई नहीं करती, ठीक है। मैं सिंपली हेड वॉश करती हूँ, कोई कंडीशनर अप्लाई नहीं करती। हाँ, कोई DIY हो, चाहे मैंने पहले मतलब कि फ्लैक्सीड जेल लगाई हो, कर्ड लगाया हो या कोई और मास्क लगाया हो, उसको अप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं कंडीशनर अप्लाई नहीं करती। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि केमिकल्स हम उतने ही दे रहे हैं, इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करती। अब मैंने जब से मैंने ये राइस वाटर, या मैं ये बनाती थी अपना राइस वाटर, मुझे ये बनाने को थोड़ी दिक्कत होती थी, अब तो ये बना ही हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास है। तो इसको क्या है कि मैंने एक बार अच्छी तरह से अपना हेड वॉश कर लिया शैम्पू के साथ,
फिर उसके बाद इसको मैं अपने हेयर्स पे, अपने प्रॉपर यहाँ पे और साइड्स में अपने और नीचे जो मेरे स्प्लिट एंड्स हैं वहाँ पे इसको अच्छी तरह से स्प्रे करके, ठीक है, मैं 10 टू 15 मिनट्स के लिए लीव कर देती हूँ। जैसे हम कंडीशनर लगा के थोड़ी देर के लिए लीव कर देते हैं, उसी तरह ही मैं इसको भी लगा कर लीव कर देती हूँ। बाकी अपना वो नहा लिया, अपना वॉश कर लिया, उसके बाद मैं इसको आफ्टर 10 मिनट्स में इसको वॉश करती हूँ। और बिलीव मी गाइज, जब आप इसको फर्स्ट वॉश में ही आपको आपके जो हेयर्स हैं वो इतने सॉफ्ट और स्मूथ नजर लगेंगे, बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होगा आपके हेयर्स के ऊपर। मैंने आज भी इसी को ही अप्लाई किया हुआ है और बिलीव मी, मैं 3-4 टाइम्स हो गया है मैं इसको यूज कर रही हूँ और एवरी टाइम मुझे ये बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग और बहुत ज्यादा स्मूथ और टेंगल फ्री हेयर्स हैं। मैं जो, अगर आप कंडीशनर यूज करते हैं तो कंडीशनर के बाद भी इसको यूज कर सकते हैं, आपने इसके बाद शैम्पू नहीं करना। जस्ट इसको 10 मिनट्स लगाने के बाद आपने सिंपली पानी के साथ, नॉर्मल जो आपका वाटर है, कोल्ड वाटर जिससे आप नहाते हो, उससे आपने अपने हेयर्स को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, बस शैम्पू नहीं करना। एक और है कि अगर आप इसको रात को स्प्रे करके, अगर आप इसको लीव ऑन कर देते हो, सुबह आप शैम्पू कर लेते हो, उस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके हेयर्स में शाइन को प्रोवाइड करता है, डलनेस को ये खत्म करता है, फ्रीजीनेस को ये आपके हेयर्स में ये आपको खत्म करता है। तो ये हो गया हेयर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारी स्किन के लिए। स्किन के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। कोरियन स्किन के लिए तो राइस वाटर बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा। तो मैं स्किन पे भी, अगर आपने वॉश करना, नहाने जाना है, नहाने से पहले आप इसको थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए अपने फेस के ऊपर, 10 टू 15 मिनट्स बिफोर आप इसको स्प्रे कर लीजिए। उसके बाद आप अपने सिंपली अपने वाटर से आप इसको वॉश कर सकते हैं। आपके ओपन पोर्स हैं उनको ये मिनिमाइज करेगा। अगर आप क्या कहते हैं उसको, कोई DIY फेस पैक बना रहे हैं या अपना हेयर का कोई हेयर मास्क DIY बना रहे हैं, आप उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं। और मैं जैसे अपने फेस के ऊपर मॉर्निंग में, मैंने शुरू से बताया मैं DIY फेस वॉश यूज करती हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, मैं वही यूज करती हूँ। उसी में मैंने इसको स्प्रे कर लेती हूँ, थोड़ा सा स्प्रे करके अपने फेस के ऊपर लगा के लीव ऑन करके, तब तक और मैं फेस के ऊपर मॉर्निंग में कोई फेस वॉश दूसरा यूज नहीं करती। नाइट में मैं मार्केट वाले फेस वॉश यूज करती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में मैं DIY फेस वॉश यूज करती हूँ। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये इसमें वाइटामिन सी है, वाइटामिन बी है राइस में, और वाइटामिन ई प्रेजेंट होता है, जो आपकी स्किन को और हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। विटामिन ई तो हमारी वैसे भी स्किन हो चाहे हेयर्स हो, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये आपके मतलब कि केराटिन, जैसे हम कराते हैं तो केराटिन भी एक राइस से ही हमारा मिलता है। अगर हम मतलब कि DIY केराटिन क्रीम बनाए, वो भी हमारी राइस से ही बनती है, ठीक है। तो उसके लिए ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारे जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं उनके ऊपर ये प्रॉपरली वर्क करता है, उनको स्मूदन करता है। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको फर्स्ट वॉश में ही अपने हेयर्स में और अपने स्किन में आप इसको यूज करेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो आप इसको अपने और भी कहीं DIYs हैं उनमें आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं अपने बहुत सारे DIY हैं, जैसे कि फेस रोल ऑन है, मैं उसमें भी इसी को ही यूज करती हूँ, ठीक है। मैं वो सब आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगी, बट मुझे इसके पर्सनली बहुत अच्छे बेनिफिट्स, क्योंकि मैं तो इसको DIY घर पर भी बनाती थी, लेकिन घर पर बनाने में दिक्कत होती है। अब जैसे ये बन गया, 2-3 दिन निकल गए, फिर उसके बाद होता है आलस आ जाता है कि नहीं है, बट अगर आपके पास होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें ये है कि जैसे ये लॉक है, ये प्रॉपर लॉक हो जाता है, ये स्प्रे हो गया और ये लॉक हो गया, ठीक है, और ये लॉक लग जाता है, ठीक है। तो आप इसको अपने फेस के ऊपर, अपने हेयर्स के ऊपर आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जो आपको फ्रेग्रेंस है वो भी राइस की जैसी माइल्ड सी, मतलब राइस में से जैसी फ्रेग्रेंस आती है ना, वैसी इसमें से फ्रेग्रेंस है, कोई बहुत ज्यादा नहीं, जैसे आपको इसमें से फील होगी वैसे ही है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कोई आपके इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, राइस एक्सट्रैक्ट इन्होंने यूज किया है। इन्होंने भी बताया है कि अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं ओवरनाइट ट्रीटमेंट, स्प्रे ट्रिंस ऑन योर हेयर्स एंड कीप इट ओवरनाइट एंड वॉश द मॉर्निंग विद द माइल्ड शैम्पू। आप इसको माइल्ड शैम्पू से भी रिंस कर सकते हैं।
कभी कभार होता है कि हमारा वॉश करने का मन नहीं होता, लेकिन हमारा हेड हेयर जो है वो बिल्कुल साफ होते हैं, तो हम इसी को ही स्प्रे करके थोड़ी देर उसके बाद सिंपली वाटर से हम इसको क्लीन कर लें, तब भी हमारा जो वॉश है, जो हमारे हेयर्स हैं, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं, वो मैंने आपको इजीली बता दिया कि शैम्पू के बाद इसको स्कैल्प के ऊपर और अपने हेयर्स के स्ट्रैंड्स के ऊपर आप इसको धीरे धीरे स्प्रे करके 10-20 मिनट्स आप इसको लीव कीजिए, जैसे हम कंडीशनर लगा के लीव कर देते हैं अपने हेयर्स को, लेकिन कंडीशनर हम स्कैल्प पे यूज नहीं करते, इसको हम स्कैल्प पे भी यूज कर सकते हैं। और आप जब इसको यूज करने के बाद देखेंगे तो आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ, टैंगल फ्री और एक एक स्ट्रैंड आपका सिंगल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये थे, ये मतलब कि जो राइस वाटर है और ये फर्मेंटेड राइस वाटर है, ठीक है, फॉर लॉन्ग एंड शाइनी हेयर्स हैं, लेकिन ये हेयर्स के साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू एब्स गुडनेस का फर्मेंटेड राइस वाटर के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।